जय हिंद गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग एकदम ठीक है। तो बी सदर ब्लॉग एंड ट्रैवलिंग पे आप सभी को वेलकम। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का जो चैनल है बी सदर ब्लॉग एंड ट्रैवलिंग पे, जो अंडमान से जुड़ी, खास करके लिटिल अंडमान, पोर्टलर और भी यानी पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड से जुड़ी हर जगह का आपका वीडियो, बहुत बहुत सुंदर सुंदर व्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं एक स्पेशल जगह पर लेके जाने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, मैं तो एक्चुअली आज हम लोग तीन मिलके जाएंगे, मैं, सरदार जी और रोहन आया था, तो तीनों मिलके जाएंगे। तो वो जगह जाएंगे एक्चुअली जो हटबे का पुराना जेट्टी है, उस जेट्टी में जाएंगे हम लोग। तो वो जेट्टी अभी बंद है, लेकिन क्यों बंद है, कब बंद हुआ, उसका बहुत सारा वो हिस्ट्री है हम लोग से जुड़ी, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और उसका व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रही है और पूरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि गाइस आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। और लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि एक मोटिवेशन भी मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिले। तो गाइस चलिए, तो गाइस हम लोग जिस जगह आने वाले थे जेट्टी, हटबे का पुराना जेट्टी, वहाँ पे आ गया है, पूरा जंगल हो चुका है। और सरदार जी आपको इसका एक्सप्लेनेशन देगा। सरदार जी चलिए आप इसके एक्सप्लेनेशन दीजिए, लेकिन और एक चीज छूट जाएगा। चलिए हम लोग पहले समुंदर से वहाँ से घूम के आते हैं, वहाँ से आप बोट जा रहे हैं ना, वो दिखाई देगा क्या, उधर जाएंगे बाद में दिखाएंगे, बाद में दिखाओगे। तो फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए ना। बोलो ना, बोलो बोलो, आप बोलिए ना, बोलो। तो गाइस ये रहा पुराना जेट्टी जो सुनामी में टूट चुका है। हाँ, अभी इधर तो कोई आता नहीं, ये पूरा बेकार हो गया है ये एरिया। तो हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम इधर से जाते थे शिप में पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, तो इधर रहते थे हम लोग, रात को आते थे, दो बस था उस टाइम, ठीक है। तो रात को आते हाँ, थे, रात को 8 बजे लास्ट बस में आते थे। हाँ। तो इधर रुकना पड़ता था रात को। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, पूरा रात रहते थे, फिर सुबह इधर से शिप रहता था पोर्ट ब्लेयर के लिए, तो शिप में हम लोगों को जाना पड़ता था। इतना से इतना दूर तक रात हाँ। को आके रुकना गाइस, पूरा रात रहना है, फिर सुबह इधर से शिप रहेगा, फिर जाना पड़ता मतलब था। ऐसे तो आइलैंड एरिया है पहले हाँ। तो बस और प्राइवेट गाड़ी भी उतना नहीं था, नहीं था, दो बस था सिर्फ, गवर्नमेंट का दो बस चलता था। तो रात को यहाँ पे आके रुकना और सुबह जाना, फिर जाना। सारा दिन वही शिप में झेलना फिर बहुत मुश्किल होता था, बाप रे। फिर भी हम लोगो के लिए तो जाना पड़ता ही था, ठीक है, तो ठीक ही था। तो अभी हम लोग आए है जेटी में, ठीक है, वो तो सुनामी, फिर सुनामी आया हाँ। 2004 को, फिर वो सब तोड़ फोड़ दिया। तो हम लोग अभी अपनी कहानी बता दूं। हाँ बताओ गाइस, मैं तो एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस जो है कोलकाता है हाँ। मैं कोलकाता से हूँ, और जब मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा, मेरे जो फैमिली है उनको लेकर यहाँ पे आ गए थे। एक्चुअली पापा यहाँ पे बहुत शादी से पहले से ही काम करता था, तो फिर हम लोग को जब हम लोग पैदा हुए उसके बाद पापा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहीं पे बड़े हुए हैं हम लोग। लेकिन जो है ना, हम लोग को साल साल मेनलाइन जाना पड़ता था कोलकाता, क्योंकि वहाँ से नाना नानी दादा दादी थे, तो उन लोग तो मुश्किल थे हम लोग को मतलब रख के, तो वो लोग ना मतलब उन लोग के लिए हम लोग मतलब जाते थे साल भर। तो स्कूल का जो छुट्टी रहता था ना समर वेकेशन, उस टाइम हम लोग जाते थे साल साल में। तो हम लोग ये एकदम ये वाला घर जो देख रहे हैं उसमें वेटिंग रूम था, वहाँ पे वेट करते थे। लेकिन मुझे उतना तो याद में नहीं रहा कि रात भर तो शायद नहीं रुके थे हम लोग, पता नहीं, मम्मी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये पुराना जेट्टी ख़त्म हुआ और नया कैसे बना, ये मेन सवाल है। तो मेन सवाल ये है कि ये जो सुनामी आया था 2004 में, दिसंबर के 2004 में, उस दिन संडे था, तो वो जेट्टी टूट गया, ये वाला जेट्टी, तो इसके वजह से और एक मतलब टूट गया, इसलिए नया बनाना पड़ेगा पड़ा है। वो शायद नया एक जेट्टी बनाए, जो अभी अब मेरे पुराना वीडियो में भी देखे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या ट्रेन चलता था, ये जो आइलैंड क्यों है, इधर से वो क्रेन का वो गाड़ी चलता था। हम लोग ये जेटी से जाते थे छोटा वाला,
पाइप ये सब था पहले। तो आप लोग जब वो रात में रुकते थे ठीक है वहाँ पे सुबह जाते थे तो कौन सी ऐसी पानी आप लोगों को लेके सुना? उस टाइम का फेमस अभी भी है डेरिंग चौड़ा सेंटिनल। तो मैं भी देखी हूँ। फिर क्या बोलता है उसको क्या का था और भी तो आपने जितना सारे काम बोले हैं आप उसमें से सिर्फ मैं एक को जानती हूँ डेरिंग। उसमें मैं दो दिन बाद चढ़ी है। हाँ सेंटिनल में नहीं चढ़ी। हाँ सेंटिनल में भी एक दो बार चढ़ी बाकी मैं नहीं मैंने में नहीं और यहाँ पे गाइस पूरा हवा चल रहा है पता नहीं आप लोग सुन पा रहे कि नहीं। यहाँ पे डूब चुका है और वो देखिए वहाँ से जो सामान आया ना कार्गो शिप तो यानी वो पैसेंजर शिप का जेटी अलग है कार्गो शिप का नहीं। उसमें भी बड़ा जेटी में भी कार्गो रहता है बड़ा बड़ा शिप उधर रुकता है लेकिन ये छोटा है तो इधर इसलिए एक छोटा भी मिडिल में है जेटी। इसमें तो आलू प्याज चाल डाल ये सब आता है तो उधर से भी ले सकते हैं। हाँ ये साइड में ना तो आगे है पार्क एक ठीक है तो हम लोगों के लिए अच्छा हाँ। होता है टूरिस्ट लोग आएगा फिर हाँ। बढ़िया इधर इनकम सोर्स बढ़ेगा क्योंकि गाय इधर आके सोता है ना रात को। देखिए गाय इधर से टूट के गिर गया पूरा एक लंबा करके टूट चुका है। हाथ अब इधर ही हवा में उड़ जाएगा। नहीं नहीं थोड़ा डर लग रहा है मुझे नहीं जाना है। तुम्हारे ओट से टूट जाएगा
बना देखिए, रोहन का जो स्नैक्स है उससे छीन के खा रहे हैं। रोहन का हालत देखिए, और नहीं है बिंगो। आप इतना बचपना करते हैं, उसका जो स्नैक्स है आपने ले लिया, मेरे लिए थोड़ा ही बचा है देखिए, इतना सा बचा मेरे लिए। तो गाइस शाम हो चुका है, चांद भी निकाल चुका है और अभी आपको क्लाउड्स का नज़ारा भी मिलेगा, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि चांद को क्लियर सब दिखाई देगा एकदम।